हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल अनदर यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब प्रिपरेशन में डॉक्टर सतेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों आपको बता दूं कि आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है उन सभी लोगों के लिए जो लोग भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। दोस्तों एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है जहाँ पे वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की। दोस्तों यदि हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग डेट की बात करें ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने की, तो ये 5 सितंबर 2022 है। 5 सितंबर 2022 की रात 11:59 तक आप कर सकते हो। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन फॉर्म की यदि बात करें तो ये 10 सितंबर 2022 तक जो है किया जा सकता है। तो दोस्तों बिना डिले को जो है हम लोग चलते हैं नोटिफिकेशन की तरफ जो है इसका देखेंगे। नोटिफिकेशन जो है जो एडवर्टीजमेंट आया हुआ है उसके पहले एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि दोस्तों अभी रिसेंट में कुछ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूट्स के द्वारा या यूनिवर्सिटी के द्वारा जो है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आई हुई थी, तो दोस्तों उससे रिलेटेड भी जो है कुछ वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल हैं। तो उन वीडियोस को यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल के पेज या फिर चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं, या कोशिश करेंगे कि उन सारे वीडियोस के लिंक भी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर देंगे, जिससे इजीली आप उन सारे वीडियोज़ को देख सकेंगे। तो दोस्तों बिना डिले को हम लोग चलते हैं एडवर्टीजमेंट की तरफ। दोस्तों सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो है किन किन सब्जेक्ट्स को लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपको ये पता चल सके कि आपके काम का ये वीडियो है फिर नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे चूँकि सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़ के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये चूँकि यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं कि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स ज़्यादा दिख रहे हैं, बट ये है कि यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज के भी जो है और साइंस के भी जो है कुछ सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे यहाँ दिया हुआ है ये सीरियल नंबर, उसके बाद डिपार्टमेंट और डिसिप्लिन की बात की गई है, उसके बाद टेंटेटिव पोस्ट्स की बात की गई है और एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सब्जेक्ट केवल बताते जा रहा हूँ, उसके आगे आप टेंटेटिव पोस्ट जो दिया हुआ है उसको आप देख लें और बाकी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन जो रिक्वायर्ड हैं वो आप देख लें, ठीक है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे यदि हम लोग बात करें सिविल इंजीनियरिंग की यदि बात करें तो जैसे आप देख सकते हैं इसमें 19 टेंटेटिव पोस्ट दिया हुआ है। आगे फिर सेकंड की बात करें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ठीक है, इसमें जो है ए बी करके दिया हुआ है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और बी जो है प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आगे यदि फोर्थ नंबर पे देखें तो जैसा कि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, उसके बाद जो है फिफ्थ नंबर पे कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन, उसमें जो है ए और बी करके दिया है, जैसे ए है कंप्यूटर इंजीनियरिंग और बी जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसके बाद जो है सिक्स नंबर पर जैसे फिजिक्स देख सकते हैं, उसके बाद जो है केमिस्ट्री, उसके बाद जो है एट नंबर पर मैथमेटिक्स, उसके बाद नाइन पर देख सकते हैं ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज, ठीक है। उसके बाद जो है 10 नंबर पर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसके बाद 11 पे जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स यहाँ पे हैं, इन सब्जेक्ट्स के लोग जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब देख लेते हैं दोस्तों हम लोग की आखिरी जो है कहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, ठीक है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कुरुक्षेत्र, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब NIT जो है ये कुरुक्षेत्र यहाँ पे जो है जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है, ठीक है। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नंबर आप देख सकते हो और दोस्तों जैसा दिया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी की बात की गई है, ठीक है। तो दोस्तों ये जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है इनवाइट किया गया है इंडियन नेशनल के लिए, ये पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन के लिए जो है वेरियस डिपार्टमेंट्स, ठीक है। और दोस्तों आगे यदि हम बात करें कि आप जो यदि इसके बारे में जो है डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यहाँ पर वेबसाइट जैसा दिया हुआ है www.nitkkr.ac.in, ठीक है। एक बार फिर से वेबसाइट आपको बताते हैं www.nitkkr.ac.in। तो दोस्तों यहां से जाकर के सारा डिटेल जो है आप देख सकते हैं। और आगे बात की गई है लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात करें तो ये जैसा दिया हुआ है आप देख सकते हैं ये 5/9/2022 मतलब 5 सितंबर 2022 की रात 11:59 तक जो है ये किया जा सकता है, ठीक है। अब दोस्तों आगे जो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उनको देख लेते हैं एक बार, बाकी दोस्तों जो हमारे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं केवल उनको मैंने यहाँ पे जो है एक्सप्लेन किया हुआ है, बाकी आप खुद से जो है इस एडवर्टीजमेंट को इंस्टीट्यूट के वेबसाइट से जाकर के आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद जो है आप डिटेल जो है ज़रूर से इसको पढ़ लें, ठीक है। दोस्तों अभी हम लोग इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर भी चल के देखेंगे कहाँ से आप जा करके जो है ये एडवर्टीजमेंट आप देख सकते हो। जैसे फर्स्ट नंबर पे ये जैसे यहाँ दोस्तों दिया हुआ है ए करके जो दिया है इसमें डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज की बात की गई है, जैसे नेम ऑफ द पोस्ट दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन, आगे जो है लेवल इन द पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 12 है, ठीक है। यदि हम लोग पैसे की मतलब सैलरी की बात करें तो रुपीज़ ये 1,00,500 से 1,67,400 के बीच में जैसा कि ये रुपीज़ जो है मतलब सैलरी रहेगी, ठीक है, जैसा दिया हुआ है।
अब वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों इसमें एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस अनरिजर्व करके जो है अलग अलग कैटेगरी में जो है इसको ये दिया हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी कितनी यहाँ पे जो है वैकेंसी है, और टोटल की यदि बात करें तो जैसा दिया है 99। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्वालिफिकेशंस की बात की गई है, बी नंबर बी पे आप देख सकते हैं जैसे क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड वन की बात की गई है। ठीक है, इसमें यदि इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो जैसा आप देख सकते हैं पीएचडी दिया हुआ है, और इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं 3 ईयर्स आफ्टर पीएचडी, ठीक है, पीएचडी के बाद 3 ईयर्स और 6 ईयर्स टोटल टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस इन रेप्यूटेड एकेडमिक इंस्टीट्यूट और रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स और रिलेवेंट इंडस्ट्री। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह का जो है ये इसेंशियल रिक्वायरमेंट भी है, और क्यूमुलेटिव इसेंशियल क्रेडिट पॉइंट्स की बात की गई है 20। तो आगे आप जो है इसमें ये क्रेडिट पॉइंट्स की जो बात की गई है आगे आप नीचे जो है देख सकते हैं। ठीक है, इसमें जैसा कि दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, ये नीचे आप एक बार जो है इसको पढ़ लेना, इसके नीचे जो टेबल के नीचे जो है बात किया गया है। ठीक है, एनेक्सर वन की दोस्तों अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें अलग अलग जैसा दिया हुआ है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए दिया हुआ है एलिजिबिलिटी, आप देख सकते हैं दोस्तों एक एक जो है आप जिस कैटेगरी में इसमें आते हो, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में या फिर साइंस या ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस डिपार्टमेंट में, या फिर ये डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो दोस्तों जो आप पे अप्लाई होता है आप यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो है इसको एक बार चेक कर लें, आप देख लें कि आप क्या आपकी एलिजिबिलिटी सुटेबल है यहाँ पर या फिर नहीं है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे जो है इसको लेते हैं दोस्तों, यहां पे क्रेडिट पॉइंट सिस्टम की बात की गई है, इसको एक बार जो है आप देख लेना। ठीक है, इसमें जैसा दिया है सीरियल नंबर, उसके बाद एक्टिविटी और क्रेडिट पॉइंट्स करके दिए हुए हैं, तो इनको दोस्तों एक बार आप देख लेना। फिर आगे इसमें हम लोग देखें, इसके नीचे जैसा दिया हुआ है, ये चूंकि ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं इसमें जो है टेंटेटिव पोस्ट्स की जो है और सब्जेक्ट्स की। अब इसके बाद जैसे दोस्तों यहाँ पे दिया जनरल कंडीशंस, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये सेकंड नंबर पे जो इसमें दिया है जनरल कंडीशंस में दिया है कि एप्लीकेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ ₹1000। ठीक है, फॉर अनरिजर्व और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी एंड 500 फॉर एससी और एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। ठीक है, मतलब आप एप्लीकेंट्स को जो है एक ये नॉन रिफंडेबल जो है एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना रहेगा, और 1000 जो है अनरिजर्व या ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की केस में है, और 500 रुपीज़ जो है ये एससी या फिर एसटी या पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लोग के लिए जो है, जो कि ऑनलाइन मोड में ये फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें और भी पॉइंट्स बहुत सारे दिए हुए हैं, इनको आप एक बार ज़रूर से देख लेना कि आप पे अप्लाई होता है नहीं होता है, और ये सारे पॉइंट्स को एक बार ज़रूर से आप पढ़ लेना दोस्तों। अब आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं इसमें जैसा दिया है हाउ टू अप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे ये वेबसाइट फिर से दी हुई है, आप देख सकते हो, डेट की बात ऑलरेडी चूँकि हम लोग कर चुके हैं यहाँ पे जैसा दिया हुआ है। यदि हम लोग इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसा कि ये 5/8/2022 से 5/9/2022 के बीच में जो है अप्लाई ऑनलाइन किया जा सकता है। ठीक है, अब दोस्तों इसमें जो है हार्ड कॉपी की बात की गई है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे थर्ड नंबर पर दिया हुआ है, इसको आप इसमें देख लें। ठीक है, हार्ड कॉपी जैसा कि हार्ड कॉपी की बात की गई है, सेल्फ अटेस्टेड जो है फोटोकॉपीज़ डॉक्यूमेंट्स के सारे रहेंगे। ठीक है, जो भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स रहेंगे, और जो ऑनलाइन आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसके साथ उसको अटैच करके, और यहाँ पे एड्रेस जैसा दिया है रजिस्ट्रार नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र। ठीक है, तो यहाँ जो है ये पहुँच जाना चाहिए। ठीक है, ये 10/9/2022 की शाम 5:30 बजे तक। ठीक है, अब दोस्तों आगे इसमें हम लोग देखें, जैसा कि आप देख सकते हो चेकलिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड अलोंग विद द हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा उसके साथ में, मतलब हार्ड कॉपी में आपको क्या क्या यहाँ पे भेजना है, तो जैसा कि 4, 2, 3, 4, 5 ये दिया हुआ है, प्रिंट आउट आपको जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है ये साइंड दिया हुआ है, साइंड इन ईच पेज। ठीक है, हर एक पेज पे आपका साइन होना चाहिए। उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ ऑल सर्टिफिकेट्स मार्कशीट्स फ्रॉम एसएससी और एचएससी और मैट्रिकुलेशन ऑनवर्ड्स। ठीक है, तो ये सारे जो है आपके सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज होने चाहिए। फिर उसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ एनी अदर रिलेवेंट सर्टिफिकेट्स और टेस्टिमोनियल्स। ठीक है, जो भी आप सर्टिफिकेट्स या टेस्टिमोनियल्स लगाएंगे तो वो भी सेल्फ अटेस्टेड आपके सारे होने चाहिए। ठीक है, वैसे दोस्तों यदि आप जैसा कि दिया है सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज सर्टिफिकेट एंड मतलब एससी और एसटी और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जिसमें जो भी आप पे अप्लाई होता है तो वो सेल्फ अटेस्टेड वो भी सर्टिफिकेट्स होने चाहिए। ठीक है,
या फिर आगे बात की गई है PWBD के केस में, मतलब ऐसे आप देख ले जो आप पे अप्लाई होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी लगाएंगे यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड आपको होना चाहिए। जो यदि आप कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाते हो ठीक है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ के द्वारा दोस्तों, वो भी आपका सेल्फ अटेस्टेड जैसा कि यहाँ पे दिया है होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ये ऑलरेडी चूंकि हम लोग देख चुके हैं कि ये 5/8/2022 जैसा कि इसमें दिया है ओपनिंग डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन का, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन का, मतलब 5 अगस्त 2022 से। क्लोजिंग डेट की बात करें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की तो ये 5 सितंबर 2022 की रात 11:59 तक। और लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी जो कि ऑलरेडी आप जानते हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ आपका पहुँच जाना चाहिए 10 सितंबर 2022 की शाम 5:30 बजे तक। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये नीचे दिया हुआ है, इसको भी आप देख लें कि एनी डिफ़िकल्टीज़ रिलेटिंग टू सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन मे बी सेंड टू रिक्रूटमेंट एट द रेट NITKKR.ac.in। ठीक है, अब दोस्तों इसमें नीचे जो है ये एनेक्सर्स दिए हुए हैं, इनको एक बार आप देख लें सारे। ठीक है, ये जो नीचे जो भी ये इम्पॉर्टेंट बहुत सारे, चूँकि इसमें कई सारे और भी जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगे हुए हैं तो इनको एक बार आप पढ़ लें। अब दोस्तों हम चलते हैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे और देखते हैं कि कहाँ से जो है जा करके इस एडवर्टीजमेंट को आप देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कुरुक्षेत्र के वेबसाइट पर आ चुके हैं, जैसा कि वेबसाइट जो है NITKKR.ac.in। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है आप इसमें जैसा कि अनाउंसमेंट ये करके दिया हुआ है दोस्तों, इसमें जैसा कि आप देख सकते हैं अनाउंसमेंट्स में जब आप जाएंगे तो सबसे ऊपर जो है ये एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी की बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ पे जो है इसको क्लिक करके इस पे जो है आप जो एडवर्टीजमेंट की हम लोग बात कर रहे थे इसको जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, अनाउंसमेंट्स में जो है अभी जो है फर्स्ट नंबर पर जैसा कि ये एडवर्टीजमेंट नंबर 8/2022 फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ फैकल्टी की बात की गई है, अप्लाई ऑनलाइन की भी जो है यहीं पर बात की गई है। तो दोस्तों यहाँ से जा करके आप जो है देख सकते हैं। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बता देते हैं कि आप खुद से जो है इस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जा करके इस जो हम लोग बात कर रहे थे एडवर्टीजमेंट की उसको खुद से आप डाउनलोड कर लें, पढ़ लें, समझ लें, सेटिस्फाई हो लें और दोस्तों तभी जो है इस इन्फॉर्मेशन को आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, और तभी आप जो है फॉर्म को अप्लाई करें, यदि आपको लगता है कि अप्लाई करना चाहिए तभी करें, अदरवाइज ना करें। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बात करते हैं। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव रहेगा। दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो जो है यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें और मेरे फ्रेंड्स में भी शेयर करें। और दोस्तों यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हो, यदि आपको लगता हो कि आपके लिए जो है ये चैनल इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, ठीक है, यूज़फुल हो सकता है, तो चाहे तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं दोस्तों इस तरह के अपडेट से अपडेट रहने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे किसी अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। दोस्तों इतना पेशेंस के साथ जो है आज का वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।